हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बिहार शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। दूसरा सवाल था कि बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएलएड वाला मामला था, वो भी क्लियर हो गया है। तीसरा ये था कि जो रिजल्ट है वो तारीख कौन सी है जो जब जारी किया जाएगा, वो भी सामने आ गई है। तो कई अपडेटें हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आप लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी है और शामिल हुए हैं तो कंटिन्यू पूरा वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे, सभी का रिप्लाई देना संभव नहीं था, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिटेल में आपको बता दी हैं। पहली ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को आज अंतिम दिन है, 11 तारीख है और 11 तारीख आज अंतिम दिन है। तो ये 1 से 5 के जो अभ्यर्थी हैं वो 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आयोग की वेबसाइट में जाकर लॉग इन करके उनको डीएलएड का जो डिप्लोमा था उसको अपलोड करना था। तो जिन्होंने नहीं किया है तो कर दीजिएगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों किया है और उन्होंने आवेदन करते समय बीएड की डिग्री लगाई थी और डीएलएड का डिप्लोमा नहीं लगाया था। तो वो लोग क्या करेंगे कि जाकर डीएलएड का डिप्लोमा अपलोड कर देंगे तो उनका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। तो ये आज अंतिम दिन है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड के प्रमाण पत्रों को अपलोड किया है एवं डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, अर्थात डीएलएड का प्रमाण पत्र है उनके पास, तो वो लोग जाकर क्या करेंगे कि डीएलएड का जो प्रमाण पत्र है उसको जाकर अपलोड कर देंगे। दूसरा सवाल था कि जो इस बार बिहार शिक्षक भर्ती हो रही है उसका प्राइमरी का रिजल्ट कब आएगा। तो जो सामने एक तिथियां आई हैं 22 तारीख से 25 सितंबर 22 से लेकर 25 सितंबर के बीच ये तिथियां जारी की गई हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी का रिजल्ट है वो जारी होने की, ये है प्राइमरी का। दूसरा है जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए शिक्षक बनने वाले हैं छात्र, वो 18 तारीख से 20 तारीख तक आप लोगों को मिल जाएगा इसका रिजल्ट, जो 9वीं से लेकर 12वीं के लिए शिक्षक बनेंगे। तो ये तिथियां 18 सितंबर से 20 सितंबर बताई गई हैं। एक बात और है, जो इस बार रिजल्ट आ रहा है वो डीएलएड के अभ्यर्थियों का केवल आएगा प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी में डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो है केवल उन्हीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बीएड वाले अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक रहेगी, ये साफ हो गया है। और जो ओएमआर की जांच है दोबारा कराई जा रही है, तो रिजल्ट लेट होगा कुछ लोग कह रहे थे, तो ऐसा नहीं है। ओएमआर की जांच दोबारा हो रही है लेकिन वो भी 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी। जो सामने डिटेल में जो चीजें आई हैं उसमें ये बताया गया है कि ओएमआर की दोबारा जांच हो रही है, पुनः जांच हो रही है, तो वो ओएमआर की पुनः जांच 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो तय समय पर ही जारी करने का पूरा प्रयास रहेगा। अब इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी सीटेट वाले हैं जो अपेयरिंग वाले हैं, उनके मन में ये शंका है कि क्या वो लोग इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे या नहीं। तो आपको बता दें, सीटेट का प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट अगर नहीं आता है तो हलफनामा लगाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपेयरिंग वाले बच्चों को मौका दिया गया था। तो आपका जो रिजल्ट है वो 25 सितंबर से पहले या 25 सितंबर तक हर हाल में आने का पूरा सीबीएसई प्रयास कर रहा है, क्योंकि इस बार जो उत्तर कुंजी है वो लेट हो गई है। तो उत्तर कुंजी लेट हुई है, रिजल्ट लगभग सीबीएसई तैयार कर चुका है। उत्तर कुंजी लेट है तो आप लोगों को उत्तर कुंजी आज रात को या फिर कल तक, 2 दिन बताया गया है कि 11 और 12 तक उत्तर कुंजी जारी की जा सकती है। तो आज और कल आप इंतजार करिए, आ सकती है आपकी उत्तर कुंजी। उसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट दोनों एक साथ जारी होंगे। तो ये पहली उत्तर कुंजी के बाद आपको 3 से 4 दिन उत्तर कुंजी चैलेंज करने के लिए समय दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो आ जाएगी 3-4 दिन बाद और उसी के साथ रिजल्ट आ जाएगा। तो जो रिजल्ट की तिथियां बताई जा रही हैं वो 25 सितंबर से पहले ही बताई जा रही हैं और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो इतने दिन में आता है। तो आपको बता दें, सीटेट का जो रिजल्ट है आज से नहीं, जब भी ऑफलाइन परीक्षा होती थी तो 30 से 40 दिन का वक्त लगता है। आपको हमने पहले भी बताया था, कई बच्चों ने कमेंट करके कहा कि 1 हफ्ते और 15 दिन में आ जाता है, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में हमेशा 30 से 40 दिन का वक्त लगता है, इस बात को याद रखिएगा। और 20 तारीख को परीक्षा हुई थी और 25 सितंबर के बीच में 45 दिन का समय होता है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 25 सितंबर से पहले आपको देखने को मिल जाएगा लगभग, इसलिए आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, इस चीज को लेकर निश्चिंत रहें। कोई और सवाल है इस भर्ती को लेकर? एक और चीज है आप लोगों को, एक सवाल काफी लोगों ने भेजा था, वो था 75% वाला कि जो बिहार शिक्षक विभाग है वो कह रहा है कि 75% सीटें भरी जाएंगी। लोग कह रहे हैं कि 75% सीटें भरी जाएंगी, तो इसका मामला क्या है? ये मामला ये है कि जो 75% सीटें भरना है वो 75% सीटें बिहार लोक सेवा आयोग ने इस शर्त पर कहा था कि अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तब वो लोग 75% सीटें भरेंगे। नहीं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सीटें हैं वो सभी सीटें भरी जाएंगी, इसलिए आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 75% सीटों का फार्मूला ये निकाला गया था कि अगर जो बिहार लोक सेवा आयोग
जो योग्यता बच्चों से चाहता है, अगर वो योग्यता बच्चों के अंदर नहीं मिलती है तो भी हर हाल में 75% सीटों के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 75% सीटें हर हाल में भरी जाएंगी, 25% रिजर्व रखी जाएंगी, लेकिन अगर योग्य उम्मीदवार मिल जाएंगे तो सभी सीटें भर ली जाएंगी, इसलिए परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई सवाल है आप लोगों को इस भर्ती परीक्षा से लेकर तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या सीटेट के रिजल्ट की कोई भी चीज का सवाल है आप लोगों को वो कमेंट में पूछिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे उसका जवाब देने की। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल पे नए मेहमान है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।